यह पत्रावली सफाई साथ में चल रही है। आज बचाव पक्ष के द्वारा DW 16 दिलीप शंकराचार्य को परीक्षित कराया गया है। अग्रिम तिथि इसमें जो है 26 तारीख नियत की गई है। एक समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान के डबल जन्म प्रमाण पत्र का मामला रामपुर की MPML विशेष अदालत में विचाराधीन है, जिसमें आज बचाव पक्ष के द्वारा 16वें गवाह दिलीप शंकराचार्य को परीक्षित कराया गया है। इस संबंध में अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने बताया कि ये पत्रावली सफाई साक्ष्य में चल रही है। आज बचाव पक्ष के द्वारा DW 16 दिलीप शंकराचार्य को परीक्षित कराया गया है और एक गवाह तंजीम शैलेश को डिस्चार्ज किया गया है, जिसमें अगली तारीख अब 16 नियत की गई है। अब्दुल्ला आजम खां के डबल जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित मामला जो थानागंज का है, धारा 420, 467, 468, 471, 120 BIPC, जिसमें अब्दुल्ला आजम खां और तंजीम फातिमा अभियुक्त हैं। इसमें यह पत्रावली सफाई साथ में चल रही है। आज बचाव पक्ष के द्वारा DW 16 दिलीप शंकराचार्य को परीक्षित कराया गया है। अग्रिम तिथि इसमें जो है 26 तारीख नियत की गई है। एक गवाह को उन्होंने आज डिस्चार्ज किया है, जो तंजीम शैलेश को उन्होंने विमोचित किया है कि इनको गवाही पेश नहीं करना है। इस प्रकार बचाव पक्ष के द्वारा अभी तक जो है 16 गवाहों को पेश किया गया है। अगली तारीख अब कब पड़ी थी? अगली तारीख 26 तारीख को पड़ी है। 26 तारीख।